भाई को ऐसा लगता है कि मैं किसी अरब देश का अरब पति हूँ, मेरे काले तिल के कुएं चल रहे हैं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं डालो हर एक चीज़ साला, नहीं डालो नहीं। अभी देखो सॉकर भी ख़राब है, ये लीकेज कर रहा है, तो भाई बोल रहा है नया डलवाओ पंकज भाई। सॉकर कितने का इसका बता भाई। राजा राजा सभी को क्या चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया। तो फाइनली द डे हैज़ बीन कम, और भाई वो दिन आ चुका है जहाँ पे मैं मतलब थोड़ा अपना घुटना मोड़ पा रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको, जैसे मैंने पिछले अपने शॉर्ट में आपको बताया था कि बबल भी खड़े खड़े हो गई है ख़राब, तो अभी फ़िलहाल मैंने इसकी बैटरी चेंज कर ली है। बैटरी लेकर आया हूँ मैं एमरोन की, ये रही वो बैटरी जो मैं लेके आया हूँ, और वो इसमें मैंने डाल ली है। डालने के बाद में अभी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक दिक्कत आ रही थी, बोल रहे थे कि इशू की यार बैटरी की प्रॉब्लम है, तो भाई वो बैटरी की प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम अभी भी है सेल्फ में, और एक सॉकर एक लीकेज है। तो लेके चलते हैं फिलहाल बबल बी को आगरा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकलते हैं भाई हम लोग आगरा। फुल गियर इन है एंड ऑल द बेस्ट फॉर द राइड। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द रोड गाइस। तो भाई हम लोग निकल लिए हैं बबल बी को लेकर के, वी आर आउट, एंड इस वक्त टाइम हो रहा है 2:57 इज़ द टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली हमको लग जाएगा एक घंटा, भाई ये किसी काम का नहीं है, सही बता रहा हूँ, ज़ीरो विजिबिलिटी है इसमें, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। 3:23 हो गए भाई, और हम लोग 3 बजे चले थे आगरा मथुरा से, और हम सिकंदरा पहुंचने वाले हैं, हम सॉरी अरतौनी पहुंच गए हैं। सो गाइस सी यू इन द शोरूम। तो फाइनली भाई बबल भी अपनी लाइन पर लग चुकी है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में फाइनली बबल भी में काम स्टार्ट हो गया। और जो भाई ने प्रॉब्लम जो बताई वो बताइए, सेल्फ की मोटर में प्रॉब्लम है, तो सेल्फ की जो मोटर है वो नहीं डल रही है। पता नहीं भाई को ऐसा लगता है कि मैं किसी अरब देश का अरब पति हूँ, मेरे काले तिल के कुएं चल रहे हैं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं डालो हर एक चीज़ साला, नहीं डालो नहीं। अभी देखो सॉकर भी ख़राब है, ये लीकेज कर रहा है, तो भाई बोल रहा है नया डलवाओ पंकज भाई। सॉकर कितने का है इसका बताना एक बार, नहीं सॉकर है कितने का वैसे, नया नहीं 30,000 के आसपास है ना। तो भाई साहब बबल बी में काम रुक गया है, काम रुकने का कारण ये है क्योंकि देखो ये जो मोटर है ये 2200 कुछ रुपए की मोटर है, मुझे कोई इशू नहीं है मेरे को डलवाने में, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि भाई क्योंकि मेरी गाड़ी है वारंटी में, वारंटी के अंदर मेरी सारी सर्विस A to Z अभी तक की जितनी सर्विस हुई है वो सारी GM मोटर्स आगरा में ही हुई हैं, भले ही मैंने बाइक मथुरा से परचेज करी हो बाइक, लेकिन सारी सर्विस यहीं पे ही थी। तो उस मोटर को बदलने से पहले, निकालने से पहले मैं एक बार अपना चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो मोटर है ये वारंटी में कवर है या फिर नहीं है। मोल ओवर थिंग बस यही है कि अगर ये वारंटी में कवर हो जाती है तो, जहाँ तक है भाई मैंने सारी सर्विस टाइमली करवाई है और ये वारंटी में कवर ही होगी, अगर नहीं होता है ऐसा तो दैट डेफिनेटली आई विल टेक एन एक्शन ऑन इट, क्योंकि भाई मतलब नहीं बनता ना कि 370 रुपये की तुम पेट्रोल फूक करके आने जाने में सिर्फ यहाँ पे आते हो सर्विस कराने के लिए, उसके बावजूद भी तुम्हें ये बोलता है कि और मतलब आपकी सर्विस टाइम से नहीं हुई है। तो डेफिनेटली मैं कन्फर्म करूँगा इस चीज़ को। तो भाई लोग ये रही वो पुरानी सेल्फ की मोटर, अगर आप इसे देखोगे ना बड़े प्यार से, इसको देखो गिरा रही है ना, यहाँ से घिसी हुई है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से घिसी हुई है देखो, और इस तरीके से सीन हो रहा है, इसमें ऑयल पता नहीं कैसे लीक ऑयल सा आ रहा है, और ये वो पुरानी मोटर है जो आवाज़ कर रही थी। क्यों अब ठीक हो जाए, अब तो नहीं आई आवाज़, ऐसा कर भाई, अच्छा ये वाली मोटर है, नहीं हो गया आपके, दिखाना जरा दोनों को एक साथ, हो गया यस। तो अब कोई इशू नहीं है, सेल्फ की मोटर एकदम बन चुकी है, और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं मथुरा के लिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, और हमने जब भूख लग रही थी तो जोमेटो से कुछ मंगाया था, ऑर्डर किया था, उसको खाते हैं रास्ते में आगे, और ये करते हैं भगवान टॉकीज को बाय बाय। एंड बस भाई आज भी वॉशिंग नहीं हो पाई, पिछली बार भी मैं सर्विस पर वॉशिंग नहीं करा पाया था क्योंकि जो है
अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब लेट हो जाता यार मैं काफ़ी ज़्यादा यार। मतलब ये लोग ना मेरी बाइक को समझ लेते हैं कि यार आ गई बाइक, अब इससे बस लगे रहो, खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो लगे रहो, बस ये मेरी बाइक से बस भाई लगे रहते हैं दिन और रात। मतलब धीरे धीरे काम करते यार, इनका मन नहीं करता मेरी बाइक से लगट के काम करने का। ओके चल के भाई को जल्द मथुरा जाना है, जल्दी फ्री कर दे, नहीं भाई इनको बस लगे रहना है इसी में। और मतलब यार वीडियो में आने के लिए मैं जो लगे रहते हैं ये सही बता रहा हूँ बाकी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छा लगता है अपन को भी भाई। अभी इतने अच्छा आपने इतने अच्छे ज़्यादा भी फॉलोअर्स नहीं है, इतने ज़्यादा भी अपने मतलब XBN फैमिली अभी इतनी बड़ी है नहीं कि लोग मतलब लाखों में मिलियन में व्यू आ रहे हो, पर बहुत जल्द भाई भगवान अगर भोलेनाथ जी की अगर कृपा हुई तो सच में भाई बहुत भयंकर तरीके से हम धमाल मचाएंगे। वन डे वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे। बस भाई एक ही जगह जाम मिल सकता है भाई, सिकंदरा तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। देखो इस ऑटो वाले को बहनचोद कैसे चला रहा है, मैं यहाँ से लेकर के पूरा ट्रैफिक में जाम में ही फंसा हुआ गया था भाई बहुत बुरी तरीके से। XBN व्लॉग्स ये रेसिंग ब्लू, हाँ मतलब कस्टमाइजेशन ये चैनल का नाम ही है XBN, एन जो इंडिकेटर से थोड़ा ढक गया है। हाँ थैंक यू ब्रो। XBN स्पेस VLOGS XX, ये S है, हाँ X है स्पेस VLOGS। मथुरा ओके थैंक यू भाई। हमें भाई मिले थे आगरा में जिनके पास थी MR1P4 ब्लैक एंड दे जस्ट सडनली स्टॉप मी एंड आस्क फॉर माय चैनल एंड दे डिड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरीके का थोड़ा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई को, मैं कहने ही वाला था कि भाई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन यार हमेशा छोटे से ही स्टार्टिंग होती है एंड दैट कुड बी अ बैडर थिंग एंड आई डोंट थिंक सो दैट डजंट बी ए मैटर मैटर दैट यू विल स्टार्ट। तो भाई ना घर पहुंचने से पहले हमने जो जोमेटो से जो ऑर्डर किया था ना आगरा से, बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त चीज़ है भाई, मैंने पिछली बार ट्राई किया था बर्गर के वेज रोल्स हैं। और अभी अभिषेक मेरे साथ है यहाँ पे, तो वी आर टूइंग इन दिस इन बबल बी, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं भाई के पास, तो अपना एग रोल खा के एंड रिफ्रेशमेंट होकर के मिलते हैं, बाकी मम्मा की दौड़ाट खानी है जा करके। और बबल बी ठीक करा दिया मैंने, तुझे कैसी लग रही है, अब तू खुश है ना। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और घर पे जाके खाने को मिलेगी मम्मी की डांट पकौड़े वही रोज की तरह, तो घर पे जाके खाते हैं मम्मी की डांट, उसके बाद में करते हैं आराम। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू गाइस सो मच।